कि आपने एक लेटर पिटीशन अभी आज दाखिल की है महंत नरेंद्र गिरी की मौत की, सीबीआई जांच हो रही है उसकी मॉनिटरिंग के लिए, क्या है इसका मकसद और क्या चाहती हैं? देखिए, मेरा मकसद ये है कि न्याय हो और एकदम फ्री जांच हो, क्लियर जांच हो, इसलिए मैंने लेटर पिटीशन लगाई है चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को। इसलिए लगाई है कि बहुत सारे, देखिए, करोड़ों लाखों लोगों की आस्था निरंजनी अखाड़े से जुड़ी है, लाखों करोड़ों फॉलोअर्स हैं निरंजनी अखाड़े से, और वहाँ के एक महंत की हत्या अगर हो जाती है तो लोगों को कहीं ना कहीं मलाल है इस चीज़ का कि हत्या है या सुसाइड है ये। तो इसीलिए हमने लेटर पिटीशन में ये कहा है कि सीबीआई अगर इन्वेस्टिगेट कर रही तो इस मामले को पूरे हाईकोर्ट मॉनिटर करे। अगर हाईकोर्ट के मॉनिटरिंग में होता है तो जुडिशरी से भी लोगों की आस्था ही जुड़ी रहती है। अगर जुडिशरी किसी चीज़ में इन्वॉल्व हो जाती है तो लोगों को लगता है कि अब हमें न्याय भी मिला है और असल मायने में जाँच भी फेयर हुई है। तो इस वजह से मैंने इस लेटर पिटीशन में मांग करी है कि सीबीआई की जाँच की मॉनिटरिंग इलाहाबाद ऑनरेबल हाईकोर्ट करे। किसकी किसको पार्टी बनाए? ये स्टेट ऑफ यूपी थ्रू प्रिंसिपल सेक्रेटरी और सेकंड नंबर पर सीबीआई। क्यों आपको लगता है कि ये जांच होगी तभी न्याय मिलेगा? ये जांच होगी, लोगों ने मॉनिटरिंग होगी, लोगों ने मांग करी है कि जुडिशियल इंक्वायरी हो। लोगों को भी कहीं ना कहीं लगता है कि जुडिशियल इंक्वायरी की मांग कर रहे हैं कि जांच फेयर तरीके से होनी चाहिए, सही तरीके से होनी चाहिए। सीबीआई अगर जांच करती तो कभी कभी पुलिस की और सीबीआई की जाँच टैली कर जाती है, एक सी लगने लगती है। तो इसलिए लोग चाहते हैं कि जुडिशियल मॉनिटरिंग में ये जाँच हो ताकि कहीं से भी कोई प्रभावित न कर सके। हाई प्रोफाइल ये केस है पूरा, तो ये प्रभावित भी हो सकता है कहीं ना कहीं से, लोग बाहुबली भी लग सकते हैं, दुश्मन दोस्त सभी लोग लग सकते हैं। अगर ये हत्या है तो कथित किया गया, कहीं ना कहीं से कारित करी गई, अगर सुसाइड है तो कोई बात ही नहीं है, तो सामने निकल के आ जाएगा बाद में।